नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि होम थिएटर जो आप घर में यूज करते हैं वो कार में कैसे लगा सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे मालूम चलेगा कि हम एक बजट में कैसे अपने गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप बूफर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोलते हैं 5-6 हज़ार में बूफर आ जाते हैं विथ एम्पलीफायर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपको लेना है तो 10 हज़ार के ऊपर लीजिए, नहीं तो ये 7-8 हज़ार, सॉरी 5 या 4-5 हज़ार में आपका कुछ हो नहीं पाएगा। 7-8 हज़ार के ऊपर आप बजट में जाते हैं तो बढ़िया रहता है आपके लिए। ये क्रिएटिव का बूफर है। जब आपके पास एक्स्ट्रा बूफर हों तो उन्हें क्या कीजिए कि आप गाड़ी में लगा सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको आसान सा तरीका मालूम तो। उसके लिए कुछ नहीं है, आप डीसी टू एसी कन्वर्टर ले सकते हैं, उसमें प्लग आएगा। प्लग को आपको क्या करना है, इस प्लग में लगाना है, वहाँ से सॉकेट आएगी, सॉकेट में आपको इसका जो 2 पिन का है रहता है उसको ऐसे ही लगा देना है, ये सीधे काम करने लगेगा। पर एक चीज़ की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कुछ वोल्टेज लेते हैं, वोल्टेज अगर लेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और परेशान न होइए, ये सिर्फ 40 वाट का, 40-50 वाट से ऊपर के होते हैं ना, ये इनकी कैपेसिटी 120 वाट तक होती है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। अब चले आते हैं मेन मुद्दे पे, इसे कैसे लगाना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी पिन है, ये इसकी पिन है, ये दो है, इसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। सबसे अच्छी बात ये हो गई कि मेरे इस वूफर में ये जो पिन है तो इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं किसी तरफ से। लेकिन जो इस दूसरे वूफर में क्या होता है, आपको इंडिकेशन दी रहती है, ग्रीन है ब्लैक है, इस टाइप के अगर आपके वायर हैं तो वो निगेटिव होंगे, और जो अगर रेड होंगे, ज़्यादातर वो रेड ही होते हैं, रेड को सीधे 12 वोल्ट से आपका, जैसे आप क्रिएटिव जोड़ना चाहते हैं तो क्रिएटिव में अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो ट्रांसफार्मर में क्या कीजिए कि ट्रांसफार्मर में 3 वायर तो वहाँ से निकल के आपकी प्लेट तक जाते हैं, तो 3 में से जो बीच वाली वायर होती है, बीच वाली 3 में से जो बीच वाली वायर होती है वो निगेटिव होती है, बाकी जो 2 वायर होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो आप सीधे उनको एक साथ कीजिए और पॉजिटिव से जोड़ दीजिए। इसमें जो बीच वाला कवर होता है वो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये आजू बाजू वाले ये पूरा रिंग ये निगेटिव होता है, तो आप उस तरह से जोड़ सकते हैं। फिर बूफर जोड़ने का आसान तरीका क्या है, इसके अंदर 2 RC पिन हो, RC क्लिप होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो क्लिप हैं इन्हें RC क्लिप कहते हैं। ऐसे ही आपको अंदर पे इस पे इसके पीछे आप निकाल के, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पे नट है, यहाँ पे आप ध्यान दें यहाँ पे नट है, यहाँ से आप खोल के इससे अंदर से एक कनेक्शन ले सकते हैं, उसको सीधे लाइए। यहाँ पे बूफर में आउटपुट लिखा रहता है, बूफर में आउटपुट लगा रहता है, तो वहाँ से सीधे RC केबल लाइए, इसमें ऐसे जोड़ दीजिए और सीधे बूफर बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अभी अगर हो सकेगा तो मैं इसमें क्लिप डालूंगा, एक और है मेरा वीडियो पर, उसमें कॉपीराइट आ गया, तो सोच देखता हूँ मैं NCS का, अगर हो सके तो बजा दूँ। आपको जो कुछ अगर क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। थैंक यू। एक्शन की बात करें तो आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर सकते हैं। स्मार्ट प्ले कैसे कर सकते हैं, ये जो पीछे आप सामने मत लगाएं, जो ये पीछे क्लिप है ना, इसमें प्लस माइनस है, बीच वाला जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा हो तो वो प्लस है और साइड वाला वो माइनस है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप पीछे से, जैसे मैंने किया है कि ये पीछे से वायर ला के मैं इसी में सीधे कनेक्ट करके टेप से रैप कर दिया, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा, और सीधे ले जाके मैंने उस पर दे दिया है सीधे डायरेक्ट, तो आप सीधे कनेक्शन कर दीजिए। लास्ट में आपको वीडियो का NCS का वीडियो बजा के जरूर आपको दिखाऊंगा। थैंक यू। RC केबल के बारे में बता रहा था, तो RC केबल ये देखिए, ये यहाँ से गई हुई है, ये देखिए RC केबल, और इसमें जाके वो फिट हो गई। बस आपको कुछ नहीं करना है, RC केबल सीधे लेना है, इनपुट यहाँ पे देना है इसके अंदर, और आउटपुट वहाँ पे ले जाके दे देना है।
स्पीकर आप उसमें ना जोड़ें तो ज़्यादा बेटर है। अगर स्पीकर आप जोड़ते हैं तो उसकी बहुत कम आवाज़ होती है। सिर्फ आप बूफर भर जोड़ें वो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। अब चलिए मैं आपको इसका साउंड दिखाता हूँ, सुनाता हूँ कि कैसा है इसका साउंड। ये देखिए, ये अभी आप फोकस हो जाए, ये आपको ग्रीन सी लाइट जल गई दिख रही होगी। अब मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। ये अभी बिना बूफर के है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ बूफर कैसे। अभी मैं बंद कर रहा हूँ, ईयरफोन जरूर लगाइएगा आप लोग, ईयरफोन जरूर लगा लीजिएगा। अब देखिए आवाज फिर से बड़ा। माइक नहीं है इसलिए ज्यादा क्लियर आवाज ना आती होगी, पर फिर देखिए अभी नॉर्मल है, कोई आवाज नहीं है, अभी आवाज है। आप तेज भी कर सकते हैं। बंद करना है, देखिए